नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, मैं यहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं M51 से, और आप यहां पे देख सकते हो बैकग्राउंड इसका ब्लर है। मतलब आप अपने फोन से जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर करके पोर्ट्रेट वीडियो यहां पे शूट कर सकते हो। हालांकि आप जानते होंगे कि एम सीरीज के फोन में यहां पे आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आप इस तरह से अपने फोन में पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो जिसमें आप जो बैकग्राउंड है ब्लर कर सकते हो इस तरीके से। अब ये जो वीडियो है मैं सेल्फी कैमरा से शूट कर रहा हूं, आप इसी तरह से बैक कैमरा से भी पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो। हालांकि जो ट्रिक है मैंने एक साल पहले ढूंढ ली थी, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों को ये ट्रिक के बारे में पता नहीं चला या वो समझ नहीं पाए, इसलिए बहुत सारे डिसलाइक्स मुझे मिले थे और मैंने उस वीडियो को निकाल दिया था, डिलीट कर दिया था। लेकिन उस समय मेरे पास ऑडियंस नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा ही समझदार ऑडियंस है, तो अब जो ऑडियंस है मेरी वो समझ पाएगी इस ट्रिक को, और आप अच्छे से अपने फोन में जो पोर्ट्रेट मोड है पोर्ट्रेट वीडियो उसे शूट कर सकते हो। तो ये आपको किस तरह से करना है मैं आपको दिखाऊंगा, आप किस तरह से सेल्फी और पोर्ट्रेट से अपने वीडियोस को शूट कर सकते हो बैकग्राउंड ब्लर करके। तो दोस्तों अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना है अपने कैमरे से किसी भी एम सीरीज के फोन में, तो आपको कैमरा को ओपन करना है सबसे पहले, और कैमरे में आपको जाना है पोर्ट्रेट मोड में, और आपको जो इंटेंसिटी है इसकी ब्लर लेवल की वो मैक्सिमम कर देनी है 7 पे, और फिर आपको यहाँ पे उस फेस पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पे टच टू फोकस करना है इस तरीके से। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आपके फ़ोन में होगी तो आपको जाना है क्विक पैनल में, और आपको यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है आपका जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे रेडी और ये जो इंटेंसिटी का जो बार है उससे दूर होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे क्रॉप करना पड़ेगा, तो ये जो लाइन होगी इंटेंसिटी की और ये रेडी का जो नाम लिखा होता है वो वीडियो में आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आएगा, इसलिए आपको अपना जो सब्जेक्ट होगा इन दोनों से दूर रखना है, बीच में सेंटर में रखना है इस तरीके से, ताकि इंटेंसिटी और रेडी के ये बीच में ना आए। तो इस तरीके से आपको उसे दूर रखना है, और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे यहाँ पे तो आपको जो साउंड है वो भी रिकॉर्ड करना है, तो आप साउंड को सिलेक्ट करके स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखोगे अगर आपका सब्जेक्ट स्टेडी है, आप यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब है कि जो वीडियो हो रहा है वो भी स्टार्ट हो चुका है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और इसका जो बैकग्राउंड है आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लर हो चुका है, बैकग्राउंड ब्लर है इसका, और जो फोकस है अभी यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है मेन ऑब्जेक्ट उस पर ही फोकस है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर हो चुका है। तो इतना सब करने पर अगर आपको स्टॉप करना हो तो आप फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, और फिर हम देखेंगे कि इस तरह से वीडियो बना हुआ है। दोस्तों इस प्रोसेस को करने के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर और यहाँ पे एक वीडियो एडिटर चाहिए होगा, तो वीडियो एडिटर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनशॉट, आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने पर आपको इसे ओपन करना है, और ओपन करने पर आपको यहाँ पे जाना है वीडियो में, और फिर आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया है आपको उसे ओपन करना है। जैसे आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है उस बोके मोड के लिए, तो आपको उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक पे टैप करना है, और फिर यहाँ पे आपको जो कैनवास दिखाई दे रहा है सबसे पहला कैनवास पर यहाँ पे टैप करना है, और जो रेशियो होगा 16:9 ये सिलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पे जूम इन करना है, क्योंकि आपको जो ये बार दिखाई दे रहा है इंटेंसिटी वाला व्हाइट लाइन और ऊपर में जो लिखा हुआ है फाइंड फेस उसे आपको यहाँ पे निकाल देना है जूम इन करके। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है लाइन को, तो अब मेरा सब्जेक्ट बीच में है ठीक से, कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस या इंटरप्शन नहीं है। और दोस्तों आपको यहाँ पे वाटरमार्क भी दिखाई देगा इस ऐप का, आप उसे भी रिमूव कर सकते हो, आपको यहाँ पे एक एड देखनी पड़ेगी, आप इस एड को देख सकते हो और जो वाटरमार्क होगा इस ऐप का वो निकल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में सेव पे टैप करना है, और रेजोल्यूशन फ्रेम रेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करनी, मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव, और जो आपका वीडियो होगा कन्वर्ट होके यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर हम देखेंगे किस तरह से हमारा बोके वीडियो यहाँ पे बनेगा। दोस्तों वीडियो सेव हो चुका है, अब आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको सबसे पहला वीडियो दिखाई देगा जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, आप उसे प्ले कर सकते हो। अब आप देखोगे इसका बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने कोई भी सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के फोन में पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर और एक वीडियो एडिटर ऐप की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप अपने फोन में आसानी से बोके वीडियो यहाँ पे शूट कर सकते हो।
तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।